अभी है हमारे पास HTI HL ब्रांड का कटर, ट्री कटर ही है, MS 180 मॉडल नंबर है ये। ओरिजिनली आती है 25,000 रुपये की। ये पेट्रोल पर चलता है और बहुत ही एक अच्छा ट्री कटर है जो बड़े बड़े पेड़ को आसानी से काट लेता है। ये रहा इसका ब्लेड, कुछ इस तरह ये दिखाई देता है। बहुत बड़ी ब्रांड है STI HL। आगे हम इसकी ब्लेड की सेटिंग देखेंगे। कभी कभी ये ब्लेड उल्टा लगा लेने से मशीन हमारा ठीक से काम नहीं करता है, तो कुछ इस तरह हम सेटिंग कर लेंगे। और बीच में एक स्क्रू दिया होता है जिसको एडजस्ट करने से बेल्ट टाइट या ढीला होता है। तो चलिए जल्दी से हम फॉरवर्ड करके हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। इसमें दो फ्यूल टैंक होते हैं, एक में इंजन ऑयल डलता है और दूसरे में पेट्रोल। देखिए ब्लेड हमने सेट कर लिया है, अब मशीन में कुछ और जो फंक्शन है उसको देख लेते हैं, फिर इसको चालू करके देखेंगे। ये है इसका लीवर जो जिससे हमारा मशीन स्टार्ट होता है, ज़ोर से इसको एक झटके से खींचना होता है। ये रहा फ्यूल टैंक, इसमें पेट्रोल डालते हैं, और ये रहा इंजन ऑयल का टैंक, इंजन ऑयल नहीं सॉरी, हाँ इंजन ऑयल का ही टैंक है। तो और ये रहा इसका लॉक ऑन ऑफ का बटन, और इसके नीचे जो लीवर है वो है एक्सीलरेटर, यानी वहाँ से हम अपने कटर को स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये रही ब्लेड की कुछ सेटिंग। अब हम कर चुके हैं अपना मशीन स्टार्ट, अब चलिए शुरू करते हैं इसको काटना। Thank you.